नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल सभी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, अब रेल यात्री बिना ट्रेन टिकट के भी रेल में सफर कर सकते हैं। जी हां, सभी यात्रियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ट्रेन में सफर करने के दौरान ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब आपको अचानक यात्रा करना पड़ जाता है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी परिस्थितियों के लिए बस तत्काल टिकट का ऑप्शन था, जो मिलना आसान नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे का एक खास नियम जिसके तहत आप बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है और आपको यात्रा करना है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे के तरफ से बनाया गया है, लेकिन इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटी के पास संपर्क करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ट्रेन में सीट खाली नहीं होती है, ऐसे में टीटी आपको रिजर्व सीट देने से मना तो कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है, तो यात्री से 250 रुपये पेनल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने आम लोगों की सुविधा देखते हुए ये खास नियम तैयार किया है। तो दोस्तों, आप ट्रेन टिकट के बिना भी आप ट्रेन में आसानी से सफर कर सकते हैं। अगर किसी रेल यात्री के पास रिजर्वेशन नहीं है, तो सिर्फ वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे का ये खास नियम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।